मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी के अलग अलग अंदाज पहले भी आपने देखे होंगे, लेकिन अब की बार मंत्री धर्मेंद्र लोधी का एक ऐसा अलग अंदाज देखने मिला है जिसे देख हर कोई हैरान है। जी हां, मंत्री धर्मेंद्र लोधी जब हनुमंतिया टापू पर निरीक्षण करने पहुंचे तो मंत्री धर्मेंद्र लोधी को स्पीड बोट की सवारी पसंद आ गई। जहाँ लगे हाथ मंत्री धर्मेंद्र लोधी स्पीड बोट पर सवार हुए और बोट राइडिंग कर आनंद उठाया। वही अब मंत्री धर्मेंद्र लोधी का अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का अलग अंदाज। हनुमंतिया में स्पीड बोट पर सवार हुए मंत्री लोधी। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने पानी पर दौड़ाई स्पीड बोट। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी हाल ही में हनुमंतिया टापू पहुंचे थे, जहां मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने टापू पर व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही मंत्री लोधी ने स्पीड बोट पर सवार होकर बोटिंग का आनंद भी उठाया। बोटिंग के बाद मंत्री लोधी ने बताया कि अविस्मरणीय अनुभव रहा। हनुमंतिया पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उपयुक्त इसके कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हनुमंतिया टापू पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जो है इंदिरा सागर बांध का जो बैक वाटर है, ये बहुत मुझे लगता है एशिया का सबसे बड़ा बैक वाटर का ये एरिया है। और यहाँ पर आकर जैसे जैसे इसका नाम है इंदिरा सागर, तो वैसे ही सागर का जो अनुभव है यहाँ पर, वो ऐसा अनुभव होता है जैसे हम सागर की यात्रा कर रहे हैं, समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। तो ये वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव है और मेरा तो सबसे आग्रह है कि इस स्थान पर ज़रूर आए, एक बार आके इसका अनुभव लें और निश्चित रूप से अनुभव अद्भुत और अविस्मरणीय रहेगा। और हनुमंतिया टापू से 12 किलोमीटर दूर बोरिया माल टापू तक हमने यात्रा की और ऐसे 26 स्थान यहाँ पर हैं जिनका भ्रमण किया जा सकता है। और पर्यटन की दृष्टि से ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर 2 महीने का जल महोत्सव भी होता है और ये बहुत अच्छा स्थान मुझे लगा प्राकृतिक दृष्टि से, जल पर्यटन की दृष्टि से यहाँ असीम संभावनाएं हैं। और ये जो हनुमंतिया है ये अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकता है, तो इसके लिए और भी जो रिक्वायरमेंट हैं कि लगभग 10 कमरे और यहाँ पर बनाए जाएं, तो विभाग से चर्चा करके इसकी रचना योजना बनाएंगे। और आने वाले समय में, अभी तो ये स्थान फेमस है ही, आने वाले समय में ये जो है पर्यटन की असीम संभावनाएं होने के कारण मुझे लगता है ये पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये स्थान फेमस होगा। तो यहाँ आके बहुत अच्छा अनुभव हुआ और ये बोटिंग करके वास्तव में बहुत अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव है। सबसे आग्रह है कि इस स्थान पर जरूर आएँ और पर्यटन का आनंद लें। इतना ही बात मैं कहना चाहता हूँ। हनुमंतिया टापू को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, यही कारण है कि इसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। हनुमंतिया टापू पर होने वाले जल महोत्सव में लाखों लोग सम्मिलित होते हैं और जल महोत्सव का आनंद उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खंडवा।